हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असमेश भैया जी। सो आज हम लोग जाएंगे नारायणपुर, जहाँ 76 साहित्य सभा हो रहा है असम का। सो उधर जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे उसका नज़ारा कैसा हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीज़ निकल रहा है। सो आप भी आइए देखने के लिए। जो बहुत सालों के बाद हम लोगों का नॉर्थ लखीमपुर में हो रहा है कार्यक्रम। सो अभी जाएंगे, पास में ही हुआ है तो दिखाएंगे आप लोगों को भी। हम लोग भी देखेंगे कैसा होता है, जो हम लोग पैदा ही नहीं हुआ था तभी लखीमपुर में आया था साहित्य सभा, जो फिर आज आया है। तो हम लोग जाएंगे इधर, क्या क्या हो रहा है। बधाई हो आप सभी को मेरी तरफ से, नॉर्थ लखीमपुर वासियों को, जो ऐसा कार्यक्रम देने के लिए, और साहित्य सभा सभी लोगों को भी जो ऊपर का कमेटी में बैठाए हैं उन लोगों को भी, जो बहुत बहुत बधाई धन्यवाद मेरे तरफ से आप सभी को। फिर हम जाएंगे, कैसा हो रहा है दिखाएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। अच्छा लगे तो आप लोग भी आइए और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ाइए मुझे भी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के अंदर जा रहा है अभी, तो आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या है अंदर, घूम घूम के आप लोगों को जो भी अच्छा चीज होगा वही दिखाएंगे। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। सही है, इधर गाड़ी पार्किंग करने वाला एरिया है, तो इधर ही आप लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत, पूरा ये सब गाड़ी ही है। सिस्टर बहुत बड़ा एरिया लेके रखा है, पूरा एरिया घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे घूमने के लिए पूरा एरिया। सो आप लोग देखते रहिए, और पीछे जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड वाला गाना, वो दिहाना बोलते हैं असम में, वो माताएं लोग गाते हैं। सो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, सो देखते रहिए आप लोग। लोग बहुत हुआ है इधर, और मार्केट भी बहुत बड़ा हो गया है, एरिया बहुत बड़ा एरिया कवर करके रहा है। सो घूम घूम के ज़रूर आप लोग थक जाएंगे। आप लोगों का जो भी पसंद का चीज़ है खरीद सकता है, लेकिन जितना हो सके घूम लेना, उसके बाद खरीद लिए, एक से बढ़ के एक अच्छे चीज़ निकल रहा है इधर। तो ये बाहर का नज़र है, हम लोग तो अभी अंदर नहीं गए, अंदर दिखाएंगे आप लोगों को।
फाइनली हम लोग आ गया हूँ लास्ट में मीना बाजार हो रहा है, सो हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं। तो ये है अंदर का नज़ारा, जो हम लोग अंदर घुस गया हूँ, अभी अंदर से थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत बड़ा है, सो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सो फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, सो देखते रहिए। हाँ, ये अच्छा से दिखाई दे रहा है, ये पूरा असम का ट्रेडिशनल वाला इंस्ट्रूमेंट है जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब सब असम के लोकल फोक डांस में यूज़ होता है, सिंगिंग में यूज़ होता है, सो ये सभी हम लोगों का असम का शान है, सो हर ट्राइबल लोगों का एक एक इंस्ट्रूमेंट इधर बैठा है, सो आप लोग ले सकते हैं, इधर आके खरीद सकता है, जो भी दिखाई दे रहा है वो ही है असम का फोक सॉन्ग में यूज होने वाला म्यूजिक सिस्टम। इधर होम डेकोरेशन वाला सामान बताया है, जो हाथ से बनाने वाला चीज़ है। अभी बहुत कुछ देख लिया, अभी मिठाई भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, खाने को खाने वाला मिठाई जो स्वादिष्ट होता है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, ये असम का फेमस पोर्क है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, करिका में लगा के रखा है, आग में सुखा सुखा के जलाते हैं, सो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अच्छा लगा है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ढूंढ के एक एक चीज़ जो बेस्ट है वो दिखा रहा हूँ, सो लाइक तो बनता है भाई लोग, क्या बोलते हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो असमेश भैया जी को, और आगे बढ़ाइए आप लोग प्लीज़। ये असम का ताठाल बोलते हैं, इसमें खादी कपड़ा लगाता है, जो असम के औरत लोग इधर कपड़ा लगाते हैं। ये है तरवाल जो असम में मिलते हैं, हर तरीके का तरवाल आप लोगों को मिलेगा इधर, हर तरीके का अलग अलग दाम होता है, सो आप लोग इधर आके ले सकता है। इधर असम में मिलने वाला जानवर पंछिया जो भी है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लकड़ी से बनाया है और हाथों से ही बनाया है लकड़ी से, सो देखने में ये है राइनो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मॉडर्न फ्लावर्स है, ये सब प्लास्टिक फ्लावर जो आप लोग घर में सजा सकता है, इधर आके ले सकता है, बहुत तरीके का यह फ्लावर मिलता है, सो आप लोग ले सकता है। बहुत घूम लिया हूँ अभी, ये जितना भी सामान दिखाई दे रहा है आप लोग सब और लोगों का ये मौत के लिए नहीं है शायद, यही होगा। तो फाइनली हम लोग बुक स्टॉल पहुँच गया हूँ, इधर हर तरीके का बुक मिलेगा, जो फेमस राइटर है उन लोगों का राइटिंग आप लोगों को इधर मिलेगा, सो आप लोग आके खरीद सकता है, हम भी घूमेंगे थोड़ा कुछ लेंगे, अच्छा जो भी होगा वही लेंगे, सो आप लोग भी आइए।
ये असम का जातीय संगीत है जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा रुकेंगे, उसको देखेंगे। असम के फेमस जो राइटर है उन लोगों का उधर ही लोग मिलते हैं, जो भी सही है वो उनका सही है, असम का सही है, इंडिया का सही है, जो भी सही है आप लोग इधर आके ले सकते हैं। सो आइए आप लोग भी, और दो दिन बाकी है, सो आप लोग भी आइए लीजिए, कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। ये है नेपाली समुदाय का गोरखा लोगों का जो भी संस्कृति है वो दिखाई देगा इसके अंदर। सो हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे, क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है हम आप लोगों को भी दिखाएंगे, मैं भी देखूंगा। सो मुझे नेपाली लोगों के बारे में इतना जानकारी नहीं है गोरखा रेजिमेंट के बारे में, सो फिर भी कोशिश करूँगा जानने के लिए। आप लोगों को भी दिखाएँगे जितना हो सके चीज़ को, अच्छे से देखिए आप लोग, मैं भी देख रहा हूँ। सो आप भी आ सकता है, देख सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, गूगल में भी सर्च करेगा तो शायद मिलेगा आप लोगों को उनके बारे में। सो आप लोग भी जानिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। सो देखते रहिए आप लोग आगे क्या क्या मिलता है। Amazing.
हम लोग घूम घूम के अभी साइंस की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां छोटे से बच्चे लोग अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके इधर प्रोजेक्ट बना के रखा है। सो इधर से ही किसी को मिलेगा प्राइस। सो कैसा है, क्या क्या है बना रहा है बच्चे लोग, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा। सो हम भी देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग। अरे तो कौन स्कूल ला? कौन विद्या निकेतन भी खुल गया है? अच्छा अच्छा। विद्या निकेतन। हाँ। यही है बिहार नाम, इधर ही हो रहा है बिहार नाम का आयोजन। तो हम लोग देखते थोड़ा और सुनेंगे। तो यही है मिसिंग ट्रेडिशनल फूड, इधर ही मिसिंग लोगों का जो भी फूड है इधर आके खा सकता है आप लोग, और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है क्या क्या चीज़ इधर मिल रहा है। सो इधर लोकल दारू भी मिलेगा, अंदर लोग खा रहे हैं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर जाएंगे तो उन लोगों को तकलीफ़ होगा। सो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ, इधर अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जितना भी तस्वीर है इधर जिसका भी तस्वीर है ये सब असम साहित्य सभा के सभापति प्रेसिडेंट मतलब रह चुका है पूर्व में। सो इधर आके आप लोग बच्चे लोगों को दिखा सकता है कौन कौन सा साल में हुआ था प्रेसिडेंट। सो आप लोग इधर बच्चों को ज़रूर लाइए दिखाने के लिए। ये सीमंत शंकर देव जी का कलाक्षेत्र, इसके अंदर जाएंगे हम लोग, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। सो हम लोग अंदर जाएंगे, कुछ तस्वीरें शायद तस्वीर है, तस्वीर में कुछ लिखा होगा, लिखा तो नहीं है, तस्वीर सब कुछ बता देता है। सो आप लोग देखिए, ये है जल जीवन आसनी। सो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मुख्यमंत्री द्वारा किया गया एक प्रारंभ है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर जल, यही है मिशन।
तो फाइनली आप लोगों को सभी दिखा दिया हूँ बेस वाला शीश। तो शाम होने वाला है, हम लोग अभी घर जाएंगे क्योंकि शाम हो गया है, शाम होने वाला है, सूरज ढल गया है। सो हम लोग अभी घर जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप लोग भी आइए देखने के लिए। सो हम लोग अभी जाएंगे घर और असमिश भैया जी को और आगे बढ़ाइए आप लोग का प्यार और सपोर्ट देके। सो आज के लिए बस इतना ही।